अब आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम के थ्रू ही एनएफटी को सेल कर सकते हो। एक ऐसा अपडेट लेके आया है जिसके अंदर कि आप डायरेक्टली मेटामास्क के थ्रू आपके अकाउंट को लिंक कर सकते हैं। डायरेक्टली इंस्टाग्राम से एनएफटी को बाय करें और सेल करें। इंस्टाग्राम एक काफी शानदार अपडेट लेके आया है जो आपके मोबाइल के ऊपर लाइव हो गया होगा। आज मैं आपको उसका ट्यूटोरियल बताऊंगा कि किस तरह से आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम अकाउंट से ही आपके मेटामास्क को लिंक कर सकते हैं और डायरेक्टली इंस्टाग्राम के थ्रू ही आप एनएफटी को बाय एंड सेल कर पाएंगे। खुद ने एक न्यू फीचर लेके आया है जिस तरह से ये काम आप ओपनसी, मिंटेबल, रेडेबल के ऊपर करते हैं, लेकिन वो सारी चीज अब डायरेक्टली इंस्टाग्राम के थ्रू भी कर पाएंगे। अगर इंस्टाग्राम के ऊपर किसी ने अपनी प्रोफाइल पे एनएफटी लिंक की है तो आप डायरेक्टली उसको इंस्टाग्राम के थ्रू ही बाय एंड सेल कर पाओगे। मतलब कि एक एनएफटी का मार्केट प्लेस भी धीरे धीरे बनने जा रहा है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम के ऊपर काफी सारे अपडेट्स आ चुके हैं। शॉप का ऑप्शन है, लॉन्ग वीडियोस का ऑप्शन है, शॉर्ट वीडियो का ऑप्शन है, एनएफटी का ऑप्शन भी आ चुका है, फोटोज शेयरिंग वगैरह तो है ही, मैसेंजर का ऑप्शन है ही। मतलब कि हर एक चीज जो है वो आपको इंस्टाग्राम के ऊपर मिल चुकी है। तो एनएफटी कहां से दूर रहने वाली थी इसके अंदर। आपको इंस्टाग्राम से डायरेक्टली एनएफटी को बाय एंड सेल करने के लिए, आपके फोटोज को एज एन एनएफटी बाय एंड सेल करने के लिए आपको आपका अकाउंट जो है वो मेटामास्क से लिंक करना होगा। आपको लिंक कैसे करना है उसका सारा प्रोसेस मैं आपको भी बताऊंगा मेरे मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। तो पहले आप इस ट्यूटोरियल को देख लीजिए कैसे लिंक करना है, क्या प्रोसेस है और कौन कौन सी स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। उसके बाद मैं आपको इंपॉर्टेंट टिप्स जो है वो आपके साथ शेयर करता हूं। तो जैसे कि अभी जो कि मोबाइल स्क्रीन के ऊपर यहां पे क्लिक करता हूं इंस्टाग्राम के ऊपर, ये एक मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है। तो यहां पे नीचे आपको नीचे क्लिक कर देना है, ऊपर की साइड तीन लाइन है वहाँ पे, और नीचे आप जाओगे तो यहाँ पे आपको सेव्ड के नीचे और क्लोज फ्रेंड के ऊपर डिजिटल कलेक्टेबल्स का ऑप्शन जो है वो दिख रहा है, उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। उसके बाद जाओगे तो आपको यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। आप चाहो तो सारी चीज़ों को रीड कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको कुछ भी वॉलेट को सिलेक्ट करना है। एक चीज़ यहाँ बताना चाहता हूँ, अगर आपको वॉलेट को कनेक्ट करना है तो पहले जैसे कि मैंने बताया मेटामास्क आपके मोबाइल के अंदर होना ज़रूरी है, तो आपको मेटामास्क को सिलेक्ट करना है और कंटिन्यू एंड एग्री के ऊपर क्लिक कर देना है। ऑटोमेटिक आपके मोबाइल से मेटामास्क को फेच कर लेगा, जैसे कि इसने मेरे मेटामास्क के ऐप को फेच कर लिया है। अब यहाँ पर मैं इसको वेरीफाई करता हूँ मेरे फिंगरप्रिंट के साथ। तो जैसे कि यहाँ पे जो है मुझे कनेक्ट करने के लिए बोल रहा है, तो मैं नीचे कनेक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आएगा ओपन मेटामास्क। अब मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे मुझे आ गया है साइन का ऑप्शन, अब मैं यहाँ पे साइन कर देता हूँ। तो ये जो है सक्सेसफुली मेरा मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट के साथ जो है वो कनेक्ट हो चुका है। यहाँ पे आपको मैसेज भी लिखा हुआ आ जाएगा, तो आप चाहें तो व्यू प्राइवेसी सेटिंग भी जहाँ पे चेक कर सकते हैं, अदरवाइज ओके करके कंटिन्यू करें। अब यहाँ पे जो भी कनेक्टेड वॉलेट्स हैं यहाँ पे आपको सारा दिख रहा है, और अभी यहाँ पे कुछ भी कलेक्शंस अपने पास यहाँ पे नहीं है तो कुछ भी नहीं दिखाएगा। अब हम चाहें तो इसे ऐड कर सकते हैं कलेक्शंस को। अगर आपको और भी वॉलेट ऐड करना है तो नहीं, ऊपर ऐड वॉलेट का ऑप्शन है। अगर बस कुछ और वॉलेट भी है तो उसको भी यहाँ पे चाह के आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। जो भी उस वॉलेट के अंदर NFTs हैं आपकी, वो आपको यहाँ पे डायरेक्टली शो हो जाएंगी। तो कुछ इस तरह से आपको आपके मेटामास्क या फिर NFT वॉलेट को इंस्टाग्राम के अकाउंट के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके वो मेटामास्क वॉलेट के अंदर कुछ और भी अगर अलग अलग NFTs हैं तो आपको यहाँ पे शो होंगे। यहाँ पे एक और टैब यहाँ पे आपको बीच में इस जगह पे शो हो जाएगा, न्यू टैब, जो यहाँ पे आपको जो NFTs हैं वो इस वॉलेट के अंदर आपको शो हो जाएंगी। उस पर आपको बाय सेल करना है तो वो कोई भी पर्सन आपको इंस्टाग्राम से ही डायरेक्टली आपके NFTs को बाय कर पाएगा, अगर उसका भी जो वॉलेट है वहाँ पर कनेक्टेड हुआ है तो कुछ इस तरह से यहाँ पे आप आपके इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर आप वॉलेट को कनेक्ट कर सकते हो। और इतना ही नहीं, आप चाहो तो मेरे इस अकाउंट को फॉलो कर सकते हो, ये मेरे पर्सनल अकाउंट है ajay.upadhyay। तो जैसे कि अभी आपने ट्यूटोरियल के अंदर देखा कि आप किस तरह से मेटामास्क को लिंक कर सकते हैं, क्या प्रोसेस है, एक और चीज, एक गाइड है मेरी तरफ से। ये चीज करने के पहले एक और चीज आपके पास होनी चाहिए, वो कि आपका जो अकाउंट है वो प्राइवेट अकाउंट नहीं होनी चाहिए, आपका इंस्टाग्राम अकाउंट पब्लिक ही होना चाहिए। सेकंड चीज़ कि आपके अकाउंट के अंदर मेटामास्क की जो ऐप है वो ज़रूर होनी चाहिए। इंस्टाग्राम के थ्रू मेटामास्क को लिंक नहीं कर पाएंगे, अदरवाइज उसके अलावा भी कोई वॉलेट आपके पास अवेलेबल है उसको भी आप इंस्टाग्राम के थ्रू लिंक कर सकते हो, लेकिन मैं मेटामास्क प्रीफर करता हूँ इसलिए आपको मेटामास्क का सजेशन दे रहा हूँ। थर्ड चीज़ कि जैसे ही आप ये चीज़ कर देते हैं तो आप डायरेक्टली मेटामास्क के थ्रू आप NFTs को बाय एंड सेल कर पाएंगे। और फोर्थ चीज़, आपको यहाँ पे NFTs तभी सेल होंगी जब आपने उस वॉलेट के थ्रू मिंटेबल, रेडिबल, ओपनसी या फिर कोई भी अदर प्लेटफॉर्म के ऊपर NFT को बाय एंड सेल किया होगा, तो आपके मेटामास्क के अकाउंट या फिर किसी और वॉलेट के अकाउंट में वो NFTs शो होंगी, अदर्स वहाँ पे शो नहीं होंगी। जैसे वहाँ पे वो NFTs शो होंगी, आपको एक और न्यू टैब दिख जाएगा आपकी प्रोफाइल के ऊपर, जहाँ से कि लोग आपके NFTs को देख सकेंगे और वहाँ से डायरेक्टली उसको बाय भी कर सकते हैं। और आप चाहो तो किसी और की प्रोफाइल पे जाके आप NFTs को बाय भी कर सकते हो। तो कुछ इस तरह से इंस्टाग्राम भी अपडेट लेके आया है। आगे आगे इस अपडेट के अंदर और भी न्यू चेंजेस आने वाले हैं। तो NFT और मेटावर्स से रिलेटेड कुछ भी नए अपडेट इंस्टाग्राम के लिए या फिर फेसबुक के लिए आते हैं तो मैं उसके अपडेट जो है वो आपको लाके देता रहूंगा। तो उसी लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर देना है। अगर आप मुझे नहीं जानते तो मेरा नाम है अजय उपाध्याय, ऑनलाइन अर्निंग और ऑनलाइन
बिजनेस के वीडियोस आपके लिए रोजाना लेके आता रहता हूँ, जहाँ से कि बहुत कुछ सीख सकते हैं और घर बैठे आपके मोबाइल या फिर आपके लैपटॉप के थ्रू अच्छी खासी कमाई भी कर सकते हैं। तो ऐसे वीडियोस के अपडेट डेली मेरे से लेने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, पसंद नहीं है तो डिसलाइक भी कर सकते हो। कुछ पूछना है, कुछ शिकायत करनी है, कुछ जानकारी लेनी है, कुछ जानकारी देनी है तो मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो। मैं हर किसी कमेंट का रिप्लाई जरूर देता हूँ और आपको सॉल्यूशन भी उस कमेंट के अंदर जरूर मिल जाएगा। तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के थैंक यू सो मच एंड बाय।